हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता होम किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सभी का ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, ज़बरदस्त साबूदाना बड़ा। आज की मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आपके साबूदाना मस्त बनेंगे, ना तेल पियेंगे और ना ही फटेंगे और ना ही नरम पड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, कैसे हम बनाते हैं साबूदाने बड़े को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये साबूदाना एक कटोरी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कटोरी मैंने साबूदाना लिया। जिस भी कटोरी या कप से मेज़र पेन करते हैं सेम कटोरी या कप होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको मैंने रात को एक कटोरी साबूदाना था तो एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी में दो तीन बार पहले वो अच्छे से वॉश किया था, गंदा पानी निकाल दिया था। फिर मैंने एक कटोरी पानी डाल के अच्छे से 3 से 4 घंटे भीगने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने पानी निथार लिया था, निथारने के बाद आधे घंटे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ढक के। एकदम सॉफ्ट नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भीग जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, तो मैंने ये पहले से भिगो के रखे हुए थे तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है। आप जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहें टिक्की, वो बर्तन या प्लेट ले सकते हैं। ये मैंने बाउल लिया, उसमें हम ये साबूदाना मैंने जो अच्छे से भिगोया हुआ था, देखिए ना कितना सॉफ्ट, एकदम खिले खिले से साबूदाना है, पानी नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। ये मैंने 3 बड़े आलू लिए हुए हैं जिसको मैंने मैश कर लिया हुआ है। और ये मैंने धनिया चॉप करके लिया हुआ था, धनिया डाला, मिर्ची डाला छोटे छोटे चॉप करके, हमने अदरक डाला, आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं। फिर हम इसमें आलू डालेंगे, 3 मीडियम साइज के आलू थे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आलू मत डालिएगा तो नहीं आलू की ही टिक्की जैसा फ्लेवर आने लगेगा। तो आप चारों तरफ से घुमाते हुए साबूदाना इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे साबूदाना बहुत खिले खिले हैं तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा, जीरा पाउडर डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। फिर मैंने चाट मसाला लिया हुआ था 1 स्पून, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला, अमचूर पाउडर डाला। इन सबको अच्छे से डाल के फ्रेंड्स मिक्स करेंगे, चारों तरफ से घुमाते हुए मिक्स करिएगा। तो सारे जिसमें भी हमने मसाले डाले हैं साबूदाना और आलू में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इस स्टेज में हम फ्रेंड्स कॉर्न स्टार्च डालेंगे जिससे हमारे साबूदाना फटेंगे नहीं। मैंने 2 स्पून के लगभग लिया हुआ है, आप स्पून का साइज़ देख सकते हैं, छोटा स्पून था। फिर मैंने क्रश किया हुआ मूँगफली लिया था, मैंने घर में इसको रोस्ट किया था, उसके छिलके निकाल लिए थे। फिर मैंने इसमें तेल डाला, 2 स्पून के लगभग मैंने तेल डाला है। फ्रेंड्स, तेल ऑप्शनल है, मगर डालेंगे तो आपके चिपचिपे साबूदाना जो टिक्की है चिपकेंगे नहीं और अच्छे से कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। आप इसी तरह जिस भी शेप में, ओवल शेप में, राउंड शेप में या बॉल के शेप में, जिस भी शेप को आपको पसंद हो, छोटा बड़ा, आप उसी शेप में बना सकते हैं। अगर हाथ में चिपक रहा हो फ्रेंड, थोड़ा सा ऑयल आप हाथ में लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार के आप सारे बॉल्स ऐसे बना के रख लीजिएगा। टिक्कियाँ बनानी है तो आप टिक्की के साइज का ही बनाएंगे हम, बहुत अच्छे से बन जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह आप थोड़े थोड़े से लीजिएगा, बहुत बड़े साइज के मत बनाइएगा नहीं तो फिर वो तेल एब्जॉर्ब करने लगेगा। थोड़े मीडियम साइज के ही टिक्कियाँ बनाएंगे। तो इसी तरह सारे आप टिक्कियाँ हम रेडी कर लेंगे, आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत ईजी और बहुत ही सरल तरीके से बन जाता है। सब पे मैंने गैस फ्लेम को ऑन किया, कढ़ाई रखो, इसको हम तेल डालेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तेल का नहीं डालती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मैं उतना ही तेल डालती हूँ कि जितना यूज़ हो सके, मैं फिर मैं दोबारा वो तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टिक्कियाँ सारी बना ली हुई, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत इजी तरीके से बन जाता है, बहुत यम्मी और हेल्दी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। गैस फ्लेम को मैंने पहले हाई किया था, अब डालते समय मैंने मीडियम कर दिया है। बहुत हाई फ्लेम में नहीं करेंगे नहीं अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से काफ़ी सिका सिका सा दिखेगा। बहुत स्लो फ्लेम में भी मत करिएगा नहीं तो आपके साबूदाने बड़े तेल पीने लगेंगे। अब ये थोड़े से चिपचिपे होते हैं साबूदाना फ्रेंड्स, तो एक दूसरे में चिपके रहेंगे, नीचे लगभग पक चुके हैं तो हम इसको हम पलट लेंगे। अब एक एक करके ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप से बन सके तो आप पूरा एक साथ पलट सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, सीखने के बाद ऑटोमेटिक अपने से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं अंदर से भी सेक चुके हैं, तो मैंने ये प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब सारे साबूदाने के बड़े हम
इसी तरह प्रकार से निकाल लेंगे और जितने भी आपके साबूदाना बड़े हैं आप सारे को इसी प्रकार से तल लीजिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने साबूदाने बड़े अपने रेडी कर लिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी और क्रंची है, आपकी आप आवाज़ सुन सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम प्लेटिंग की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आप इसको हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे साबूदाने के बड़े रेसिपी एकदम रेडी है फ्रेंड्स खाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साबूदाने बड़े कैसे लगे। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके साबूदाना भी देखिए अंदर से भी एकदम सिका हुआ है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे ये रेसिपी। आप व्रत में भी इसको बना सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आप उसको स्किप कर सकते हैं, मगर जो जो मैंने डाला वो आप डालेंगे तो बहुत यमी लगेगा। इनफैक्ट आपको किसी चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सूखा ही इसको ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा।